अच्छा, मैं एक खबर ब्रेक कर लूं यहाँ पर। मैं खबर एक और बड़ी अहम है, आप हमारे साथ रहिएगा। एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर हमारे सीनियर रिपोर्टर सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने दी है कि इस्लामाबाद में पीडीएम इख्तलाफात का मामला है, हुकूमत अपोजिशन के इख्तलाफात का फायदा उठा रही है। स्पीकर का पीडीएम कयादत की बजाय अपोजिशन जमात से अलग राबतों का फैसला, उसकी वजह यह है कि राजा परवेज अशरफ साहब से मामला हुआ है। पार्लिमानी कमेटी बराए इस्लाहात इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से शिरकत की दावत दी गई है। खबर ही ले लेते हैं, सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, ये क्या खबर है और क्या मामला है कि अब अपोजिशन तकसीम होकर इस कमेटी का हिस्सा होगी? पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जो अपोजिशन की जमातें थी उनको एक खत लिखा था और उनको कहा था कि आए एक मेज़ पर बैठते हैं और जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं और सब मिलकर जो अपने अपने तजावीज़ है उसको शेयर करते हैं। हफ्ता 10 दिन गुजर गया तो जवाब ये दिया गया पीडीएम की जानब से कि इसका फैसला पीडीएम के सरबराही इजलास में जो है वो किया जाएगा, उसके बाद हम जो है वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने किसी अपोजिशन की किसी भी जमात ने नाम नहीं भिजवाया स्पीकर को, जिसकी वजह से आज तक वो पार्लिमानी कमेटी नहीं बन सकी। इस दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर। जब यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बन गए तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इसको गनीमत जाना और अब उन्होंने पीडीएम की जो क्यादत है उनके फैसले का इंतजार करने के बजाय फर्दन फर्दन जो इनके मुख्तलिफ पार्लिमानी रहनुमा है या मरकजी रहनुमा है पार्लियामेंट के अंदर जिनकी नुमाइंदगी है, उन तमाम जमातों से अलग अलग राबता करने का फैसला किया। और इसी सिलसिले में उन्होंने राजा परवेज अशरफ से भी टेलीफोन पर राबता किया है और उनसे कहा है कि वो नाम दे दें। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि हम इस मामले के ऊपर आपको नाम जो है वो अपनी क्यादत के साथ मुशावरत के बाद देंगे। ये नहीं कहा कि पीडीएम की क्यादत के साथ मुशावरत होगी, अब उन्होंने कहा कि हम अपनी क्यादत के साथ मुशावरत करेंगे उसके बाद हम आपको नाम जो है वो दे देंगे, यानी कि उन्होंने मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। अब यहाँ पे भी इख्तलाफ है, नून लीग ने यह मौकफ इख्तियार किया है, स्पीकर को यह जवाब दिया है कि चूंकि कायदे ऐवान वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हैं, जब तक वो हमसे खुद राबता नहीं करते या मुलाकात नहीं करते और हमें इस कमेटी का पर्पस नहीं बताते उस वक्त तक हम इस कमेटी में शामिल जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो एक लकीर खींची गई है। और दूसरी तरफ फायदा फिर स्पीकर ने यह भी उठाया कि कल आज उन्होंने राजा परवेज अशरफ से राबता किया तो कल उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उनसे भी राबता किया और उनसे भी कहा जी सेनेट के जो आपके जो लोग अपोजिशन की जमातों पर बैठते हैं आप उनसे मशावरत करके आप हमें जो है वो नाम दे दें ताकि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आइंदा जो इलेक्शन होने हैं उनको शफाफ बनाने के लिए और ये जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं इनको वोट का हक देने से मुतल्लिक और ये जो चीज़ें हैं उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर आपको जो है वो बाकायदा तौर पे दावत भी देते हैं और मुज़ाकरात। तो इसके ऊपर आप पीपल्स पार्टी जो है वह मशरूत तौर पर नज़र आ रही है जबकि नून लीग यहाँ पर भी जो है वो एक तरह की तकसीम है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक आपको बात बताऊंगा जो कि इन चीज़ों नून लीग को मैं खुद भी देख रहा हूँ क्योंकि आप ये सवाल कर रहे थे। एक चीज़ में बड़ी मुस्तदका आपको बता देता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज के दरमियान रवाबत मौजूद हैं। आजकल तो ये कोरोना की वजह से मुलाकात नहीं हो रही लेकिन ये जो पंजाब में अपोजिशन जो लाना चाह रही है तरीके अदम एतमाद रुजदार के खिलाफ, तो इस हवाले से जितनी भी इस वक्त गुफ्तगु शुनीद हो रही है वो जो राबते हैं गैर रस्मी या रस्मी या जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उसमें मरियम नवाज को माइनस किया गया है। अच्छा। और हमजा शहबाज को इन किया गया है और उन्हीं के साथ जो है वो गुफ्तगू जो है वो हो रही है और इसी वजह से वो आपने हसन मुर्तजा का भी कल बयान सुन लिया था, उन्होंने कहा था हम ईद के मौका पर यह खुशखबरी देंगे। हाँ ये बात है कि अगर उनमें तकसीम है तो 20-25 लोग अगर इनके साथ आते हैं तो इसका तो जो बंदोबस्त है वो तो खुद करेंगे आसिफ जरदारी। तो अगर ये भी एक हकीकत है कि जो परवेज लाही अगर हमजा शहबाज नहीं मानते तो फिर परवेज लाही ही मुतबादल के तौर पर सामने जो है वो लेकर आए जाएंगे। ये 5 मकामात है, ये मैं आपको बता देता हूँ जो पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी तय कर रखी है। 5 मकामात हैं, ये सबसे पहले ट्राई करेंगे बलोचिस्तान की असम्बली, उसके बाद पंजाब उजदार, फिर उसके बाद जो है वो ये अपना स्पीकर पर जो कौमी असम्बली है इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, उसके बाद ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद। ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी जो है वो पीपल्स पार्टी इस स्ट्रेटजी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम, मरियम नवाज साहिबा इस सारे अमल से थोड़ा माइनस है, हमजा शहबाज साहब से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बात भी कर रही है, ये राबता हो रहा है स्पीकर। अभी जो सिद्दीक साजिद साहब खबर भी दे रहे थे तो इसका मतलब है पीडीएम के प्लेटफॉर्म की बजाय जमातें पार्लियामान के अंदर जो सियासत के मामला जो कमेटीज के मामला एक तरीकाकार है उसमें अब अलग अलग फैसले भी करेगी, क्योंकि अभी तक तो यही तासर हो रहा है। शाहिदा रहमानी साहबा,
ऐसा हरगिज नहीं है। कल नेशनल असेंबली का इजलास हुआ जिसमें मैंने जो ऑर्डिनेंस के थ्रू मिनी बिल पेश किया गया था उसको असेंबली में ले करने की कोशिश की गई, जिस पर बाकायदा बहस हुई, अपोजिशन ने मुखालफत की और हुकूमत ने दलाई देने की कोशिश की, ठूसने की कोशिश की दलाई के जरिए, जो कि नाकाफी थे। जिस पर स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा गया अपोजिशन की मुश्तरक अपोजिशन की जानिब से कि आप जो कर रहे हैं एज ए स्पीकर आपको तारीफ माफ नहीं करेगी, इसलिए स्पीकर साहब ने उस वक्त फौरी तौर पे कमेटी बनाने का हुक्म सादिर किया कि रूलिंग दी कि हम जो है इस पर कमेटी बना लेते हैं ताकि बयानी मुशावरत से आईन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो सके। तो इस हवाले से जब पार्लिमानी कमेटी बनाएगी तो उसमें पार्लिमानी लीडर से ही रابطे किए जाते हैं, ऐसा कोई नहीं कि पीडीएम में अख्तिलाफात की वजह से जो है वो रابطे, जो पार्लियामेंट में पार्टीज मौजूद हैं उनके जो लीडरान हैं स्पीकर साहब उन्हीं से रابطा करेंगे। तो लिहाजा मैं इस खबर की ही तर्दीद करती हूँ जिसको मैं समझती तोड़ मरोड़ के पेश की गई। अच्छा, सही हो गया। चलें, आपका ये आका कि आप तर्दीद उसकी कर सकते हैं, लेकिन सदीक साहब इसके सुबह से इस खबर पर भी कायम है। अगले आने वाले दिनों में सदीक साहब से भी बात करूंगा, लेकिन सदीक साहब ये एक इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल है, सबसे अहम आदमी जो पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहाँ हैं सर? उनका कोई पता नहीं चल रहा, वो कहाँ, उनका क्या स्टांस है? आप तो बड़े करीब आप खबरें दे रहे थे उनसे मुतालिक भी, वो किधर हैं? खामोशी इतनी क्यों है मानी खेज उनकी? जी, पहले तो शहजादा रहमानी साहब की बात का जवाब दे देता हूँ। जो कल कौमी असम्बली में हुआ, मैंने ज़ाहिर है मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। ये और बात, ये आर्डिनेंसेस के हवाले से बात कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी के हवाले से, जिसका खत 7 से 10 दिन पहले स्पीकर की जानिब से लिखा गया था, और उसके उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है पीडीएम की जब जमातों से राबता हुआ था तो ये सारी जमातें जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनके चैम्बर में इनकी सबकी मीटिंग्स होती थी इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की, लेकिन अब हमने कल वो मंजर भी नहीं देखा। अब तो ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन का मुस्लिम लीग नून की अपनी मीटिंग थी वहाँ पर, पहले तो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर स्ट्रेटजी बना के जाते थे। मैं तो इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है उस वाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप राजा परवेज अशरफ को फ़ोन करके पूछ लें या स्पीकर की उनको कॉल आई या नहीं आई थी, आप यूसुफ रजा गिलानी से पूछ लें उन्होंने उनसे बात की या नहीं की, उनसे नाम मांगे या नहीं मांगे। अब आ जाए मौलाना फजल रहमान की जानब से, मौलाना फजल रहमान के उनके जो तर्जुमान है और उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी हमारी बात हुई, वो अभी डेरा इस्माइल खान में ही हैं। उनकी जो बुखार था, उनको वाकई बुखार था, खांसी थी, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट होकर नेगेटिव आया था। अब वो सेहत याब हो रहे हैं आस्ता आस्ता, और उनका ये उनके करीबी ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में वो एक्टिव होंगे और फिर इस्लामाबाद वो आएंगे, और अभी तो वो किसी से कोई सियासी मुलाकातें या रबते वगैरह वो नहीं कर रहे। हाँ, अलबत् परेशान वो लाजमी है इस सारी सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। साहब कह रहे थे उन्होंने जो सुराख हुआ कश्ती में पीडीएम को उसको भर दिया है, लेकिन वहाँ से तो पानी अब अंदर आ रहा है। आप जैसी खबरें दे रहे हैं, अभी आप खबर दे रहे थे, उससे पहले हमें लाहौर से यही खबर आरिफ मलिक दे रहे थे, तो वो सुराख नहीं भर पाए मौलाना? नहीं, वो नहीं, नहीं, वो सुराख बदस्तूर मौजूद है, बल्कि उस सुराख में जो है वो मजीद वसत आप देखेंगे आने वाले दिनों में आएगी। देखिए, अब इनका दो अलग चीज़ें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहती, और नून लीग जो है वो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म उसको वो बेवकूफ और बेमानी समझते हैं। राणा सनाउल्ला भी कह रहे हैं, कल शायद खान अब्बासी ने भी कहा कि जब तक वज़ीर आज़म राबता नहीं करते इसका मतलब है कि आपने ना ही करनी है। वो तो कहते हैं जी हम तो इस असम्बली का क्या फायदा, यह स्पीकर जानबदार है, और पीपल्स पार्टी कह रही है ये पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, जो भी जद्दोजहद करनी है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी का आप देख लें जो उन्होंने ट्वीट किया था, पार्लियामेंट के हवाले से आ रहे हैं, यकीनी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।